have finally landed in Oman, Muscat. Wow. ओमान का B2 एरिया है और हमें B2 गेट से निकलना है। अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ 45 मिनट के लिए हम लोगों को अभी यहाँ समय मिला है और हम लोग यहाँ समय अभी गुजार रहे हैं। और यहाँ का भी स्टैंडर्ड टाइम अभी कुछ 1 बजे के आसपास कुछ है। Thank you.
इस समय मस्कट से अम्मान की ओर जा रहे हैं और अभी प्लेन ने उड़ान नहीं भरी है। Jacket from its pouch. Slip it over your head, clip and tighten the straps around your waist. Prior to leaving the aircraft at the exit, pull the red toggles to inflate the life jacket automatically. To inflate it manually, blow into the tube. Life jackets are fitted with a light which will illuminate automatically in water. When leaving the aircraft through the wing exits, the life jacket must be inflated outside the aircraft or on the wing. We are now preparing for takeoff. देखो ये दूसरा वाला तो नहीं हुआ। इधर आओ उषा सिस्टर, ये भी आपका ले लिया। हाँ अरे आप किधर से आई फिर भाई? आपने हाथ हाथ पकड़ लिया फिर आपने ही तो छोड़ा, हम तो हाथ पकड़े हुए थे। कहाँ जा रही है आंटी? हाय फ्रेंड। तुम्हें सब देते खुदा, हम चाहते एक एक कदम पर तेरी मदद मिले ताकि हम खूब इंजॉय कर सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सके। अपने बेटे के खून में हम सब कुछ छिपा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। ओके। आप भी बोला रहे हो? How you can say it? Yes. And my colleague Mr. Riyad is our driver for today. Now we are on our way to Spar Hotel. SPARR. Spar Hotel. The road will take maybe 30 minutes to 40 minutes, depend on traffic in Amman, because we are in Ramadan. Maybe we will reach on rush hour, because we will reach before the iftar in half 30 minutes or something like this. So maybe we will face some traffic. I will
inform you about tomorrow. Tomorrow your wake up call at 6:30. 6:30 a.m. Your breakfast at 7. And you have to be ready at 7:45, because your movement at 8 o'clock. And about the dinner today, at 8:30. Okay? Thank you so much. थैंक यू. उनका नाम गेट है जो हमारे गाइड हैं. और आज की सूचना यह है कि आज हम 8:30 बजे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल हम आपको दिखा देंगे. 8:30 बजे आ जाएंगे, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर आप अपने रूम में आराम कर सकते हैं. कल सुबह 6:30 बजे का वेकअप कॉल होगा, अपने आप आपके कमरों में कॉल्स आएगी. पर आप खुद भी अपना अलार्म सेट कर लीजिएगा जॉर्डन के टाइम से, इंडिया के टाइम से नहीं उठना है. जॉर्डन के टाइम से उठ जाएंगे, 6:30 वेकअप कॉल एंड 7:00 बजे डाइनिंग हॉल में नाश्ता तो शुरू हो जाता सुबह से, पर आप 7:00 बजे से आएंगे. और कोशिश करेंगे हम अपने टाइम पे आए, क्योंकि और भी ग्रुप्स रुकते हैं उनको डिस्टर्ब होगा. तो हम लोग 7:00 बजे से 7:45 के बीच में ब्रेकफास्ट करके 7:45 a.m. पे लॉबी में आ जाएंगे. 8:00 बजे बस छूट जाएगी. अगर बस छूट जाए तो हम आपको जगह बता देंगे, आप टैक्सी करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर कोशिश हो कि आप बिफोर टाइम आ जाए, ताकि हम समय का सही उपयोग कर सकें. कुछ जरूरी सूचना है, जब हम होटल पहुंचेंगे सामान लॉबी में आएगा, आप धीरज रखिएगा. रूम प्लान ऐसा किया गया है कि 100% आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपके फैमिली मेंबर्स के अनुसार, आपके फ्रेंड्स के अनुसार. तो सबसे पहले हम कीज ले लेंगे अपने अपने रूम के. अगर बाद में उसके बावजूद भी किसी को कोई आपस में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सेम सब जगह फॉलो करना है. तो मेहरबानी से सब लोग कोऑपरेट करेंगे. और जब खास तौर से कीज लेने के समय मुझे पहले दो, तो मेहरबानी से इस चीज को ध्यान में रखेंगे और एकदम आराम से रहेंगे. सबको चाबी मिलेगी, सबके लिए कमरे का प्रबंध है और सब चीजों को ध्यान में देंगे. और दूसरी चीज है कि अपना पासपोर्ट बहुत संभाल करके रखेंगे, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट कहीं भी गड़बड़ हुआ, छूट गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. इसलिए प्लीज अपना पासपोर्ट संभाल के रखें. जब आप कभी भी घर कमरे में से बाहर जाते हैं, तो अपना जो भी पैसा वगैरह है, सोना चांदी कीमती चीज, अपने साथ लेके जाए, कमरे में ना रखें. हालांकि ये लोग गारंटी देते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते. और फिर ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपना पैसा, अपनी चीजें हमेशा अपने साथ रखेंगे. जो जो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आए, मेहरबानी से अपने परिवार के सदस्यों का देखरेख करेंगे. जो जिसके रूम में जो रूम पार्टनर होगा, वो हमेशा ध्यान में रखेगा कि हमारा रूम पार्टनर आया नहीं आया, कीज किसके पास है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. एक ही आदमी को जिम्मेदारी दें कीज की, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है. बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रिप हमारा बहुत ही कामयाब होगा. और आप लोगों के जो अभी से रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा, बहुत ही स्ट्रांग है. और हम कोशिश हमारी है, जो आइटनरी में हमने प्लान दिया है, वो एक सिर्फ एक ढांचा है, एक फाउंडेशन है. पर अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो उससे ज्यादा हम लोग बेटर कर सकते हैं. ठीक है? सो प्लीज आप लोग जरूर से हमारे साथ सहयोग करें. कल हमारे नए गाइड मिस्टर मेजन आ जाएंगे, जो हमको हमारे आइटनरी के अनुसार डेड सी का इलाका, माउंट लिबो वगैरह जो हमारे प्लान में था, वो ले जा करके दिखाएंगे. पानी की बोतल आपको दी जा रही है, अपना बोतल ही इस्तेमाल करें, किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें. मैं बोला था बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, फ्रूट्स बहुत ज्यादा है. आज 3 तारीख है और सुबह के अभी बजे हुए हैं 6, अभी सुबह के 6 बजे हैं. और ये हम इस समय अम्मान के होटल में हैं,
स्पार होटल है इसका नाम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैठने का इंतज़ाम है, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। ड्रिंकिंग का एरिया है इनका, यहाँ ये ड्रिंक कर सकते हैं। सुबह के 6 बजे के आसपास है और आज 3 तारीख है और इस समय हम स्पार होटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं और ऊपर इनके झंडे लहरा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कारों के निकलने का है, यहाँ से कारें आए, ये पीछे इनका कारों के खड़े करने का, गाड़ियों के खड़े करने का है। और जो खूबसूरत ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, सब होटल हैं आपके आसपास जितने हैं आपको दिख रहे हैं। स्पार होटल सामने से देखने से कुछ इस तरह का लगता है और आप देख रहे हैं कि ये कोई बहुत ऊंचा या बड़ा नहीं है, कुछ 4 मंजिला कुछ इसमें इमारत का है और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा शांति भरा है, सुकून भरा एरिया है। बड़े लोग अभी शांत हैं, सुबह शायद अभी उठे नहीं, सुबह के 6 बजे के आसपास का समय है और अभी ब्रेकफास्ट शुरू नहीं हुआ है और मैं यहाँ बाहर हूँ और यहाँ के इनके लैंप के शेड्स भी आप देख सकते हैं, ये इनके लैंप शेड्स हैं। लोगों का निकलना अब शुरू हुआ है, दिखाई दिया है। से दिखाता हूँ, स्पार होटल इसका नाम है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक शू पॉलिशर मशीन एंड देयर आर द मोड्स फॉर इट्स ऑटो वर्क एंड कॉइन विच एवर वे यू वांट टू You can use it and you can polish a shoe. This big is a machine. This whole big can actually stores the polish and below are the brushes. You could see over there to brush your shoe. You could see over here and here too. मेरे कमरे का नंबर 307 है लेकिन इस समय मैं 307
10 से 321 कमरे की ओर बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या है मेरे इस फ्लोर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैठक है, आपकी दो सोफे हैं अलग से, बाहर एक कमरों के बाहर एक बैठने का एरिया बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं खूबसूरत सोफे हैं। पीछे लैंप शेड भी लगा हुआ है और आपका एक छोटा रूम एसी यहाँ फिट कर रखा है। अंदर की फिटिंग तो समझ में नहीं आई मेरे को, नींद देर में आई पिछली रात, थकान थी तो जल्दी सो गया, लेकिन आनंद नहीं आया। और हम लोगों को वैसे भी आदत है कि पंखे में सोएं। ये खूबसूरत पेंटिंग सी लगती है जो वेलवेट पर बनी हुई है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, इट्स मेड ऑन वेलवेट, एंड ये वेलवेट पर बनी हुई है। हम जॉर्डन के अम्मान शहर में, जो कि उसकी राजधानी भी है, उसके होटल स्पार में हैं और सुबह के अभी 7 बजे हैं और 7:30 बजे भी, 7 नहीं 7:30 करें। और रिसेप्शन एरिया पर अब यहाँ लोग मौजूद हैं एंड यहाँ पर हमारे गाइड बैठे हुए हैं, ये हमको गाइड करेंगे पूरे रास्ते, आज के गाइड हैं। एंड ये हमको टीम है ईशा, ये और ये शायद हमारे बस ड्राइवर हैं। और आगे देखते हैं, दीज आर सम पीपल वेटिंग ओवर हियर, जो अलग अलग जगह से आए हैं। इनका सामान आपने देखा था कि बाहर रखा हुआ था, एंड दीज पीपल आर हियर परहैप्स टू लीव, शायद जाने वाले हैं। कुछ जगहों को दिखाया था, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा था, बटर चीज़ और पता नहीं पाव जैसी कोई चीज़ थी, वो थी अवेलेबल। एंड यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोग शायद जा रहे हैं, दे आर अबाउट टू लीव। कल कहीं फिर आप लोग निकले थे खा पी करके बाद में, रात में कहीं टहलने घूमना? अब सब लोग तो ऊपर चले गए, हमने कहा कि चक्कर लगाया हो कहीं आपने, हो सकता। Can you, everybody sit in place? Please sit in place. Don't anybody move.
because we are waiting. Well, 5 minutes, I will be moved. If they are not coming, we have to move. Because we have the plan. Yes. अरे बढ़ गई दीज टू आर कमिंग अभी वो लेडीज की प्लीज नो सिट डाउन प्लीज सिट डाउन यू हैव द टाइम एंड यू हैव द टाइम माई माई चोरी कर दी डोंट नीड द टाइम एंड नाउ वी आर लेटिंग फॉर सर आवर ओके क्या नहीं मैडम मैडम The bus should be leave in the queue. We have time. If you are not in the time, somebody, the bus, they will be moved and you should be take taxi. Because you are late, one late, and it's not comfortable to wait the group. The group is in the time, you should be in the time. If anybody one late after 5 minutes, I will be moved. And he will be take the taxi. Because it's not polite to wait for the people. And the 43 people, they waiting about one, you want to take pictures. We give you the time, you should be in the time. Please. Tomorrow you have porter. Tomorrow you have porter, you should be in the time. अपने टाइम को मिलावत आपके दिन के लिए खुदा वापस पानी तेरी उपस्थिति के लिए खुदावत तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावत हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुझे मुमकिन किया कि हम लोग ऐसे टीम यहाँ पर आने वाले हो सके खुदावत और जब से हमने अपना जर्नी शुरू किया हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर सक रहे हैं खुदावत हम तो यही दुआ करते हैं कि आगे से हमारी ट्रिप में हमारे साथ का तो ग्रुप में यूनिटी को बनाए रखना खुदावत और सिर्फ हम तो सारी पॉजिटिव बातें होती रहे सारी नेगेटिविटी को खुदावत ने सुबह के नाम से हम खर्च कर सकते हैं पैरों के नीचे और यही दुआ करते हैं तेरी होली स्पिरिट हमको गाइड करें कदम कदम पे और हम इस ट्रिप को बहुत इंजॉय करने वाले हो सके हर तरह की परेशानियों से बचा करके रखना सेहत और तंदुरुस्ती में रखना और खुदावत बड़ी टेस्टिमनी और अटॉन्टी को लेकर के हम यहाँ से जाने वाले हो सके सब चीज को तेरे पाक लहू के नीचे तेरे प्लान के नीचे छुपा तेरे ही बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते सुनो कबूल कर आमीन चर्चा की गई ये जिस जगह पे हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है सेवन सर्कल इसको बोलते हैं जो शहर को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से जोड़ता है ये मेन सेंटर है इस अम्बान का जब आप इस देश के किसी नागरिक से पूछेंगे तुम किस धर्म के हो किस जाति को हो तो धर्म जाति नहीं बताएगा वो बोलेगा मैं जॉर्डेनियन और ये बहुत बड़ी चीज है जो सब अलग अलग कंट्री के क्योंकि यहाँ पर अरबी लोग भी रहते हैं इजिप्शियंस भी रहते हैं पैलेस्टाइन भी रहते हैं और आसपास के जो क्रेती लोग हैं वो लोग भी रहते हैं इस तरीके से हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के हर इलाके के लोग यहाँ पर रहते हैं इजिप्शियन बड़ी नंबर में रहते हैं पर अगर आप सबको मिला के देखेंगे तो सबके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी है और इनका हारमोनी बहुत अच्छा है काम करने का और रहने का अभी $4 के जूते चार जेडी के जूते एक जेडी है $2.5 का
$1 $1 is around $1 around 71. नहीं, he said $1.5 one and a half. Listen. 1.5. वो जो गाइड बोल रहा था. Listen. It's actually 2 point something. JD, not dollar. Listen carefully. Jordanian dollar is called. In short, it's called JD. So that is 2.5 around. When we are talking of US dollars, में इसका तो वो उसके बीच का है. अब if it's 2.5, तो multiplied by 71. Indian rupees is around 71. तो multiply it 2 into 2.5 with that. अच्छा, ये घूम करके वी आर एट द बैक ना, वापस आ गए. मैंने कोई सामान ना खरीदा. दिस इज मदाबा, दिस इज मुआब लैंड होटल एंड राइट इन फ्रंट ऑफ दैट वी आर हैविंग वन चर्च ओवर हियर. दिस इज मदाबा चर्च and this is Saint George Greek Orthodox Church and photos are allowed but without flash it's written. लिखा गया है तस्वीरें खींचे लेकिन बिना फ्लैश के. दुनिया का सबसे पुराना नक्शा यहाँ पर है. राइट साइड. Please help me, every place to train the group. Okay, please come once. एक बार आ जाइए फिर जाइए. I know information better than all the other guys because I work in here 4 years. Good. Yeah, and this is Saint George Church Madaba. ये इनके कौन लिखी है. मैं बहुत दिन हो गया शूट नहीं किया हूँ. प्लीज सामने मत आइए, सामने मत आइए. मूव इन डिफरेंट कुड नॉट शूट इमेज. सेटिंग कर दीजिए. ये मीनू में जाके इसकी आपको सेटिंग पैनोरमा शॉट तो लगा रखा है तो कहाँ से होगा. मीटिंग मोड, मूवी मोड, पैनोरमा, स्टैंडर्ड पैनोरमा साइज, जो भी वाइट बैलेंस. इससे बाहर मीटिंग मोड. नया कैमरा लिया है क्या? नया कैमरा है, इसमें कैमरा तो है 4-5 साल पुराना पर बच्चे लोग
प्लीज शटर क्या प्रेस शटर एंड मूव कैमरा इन डायरेक्शन ऑफ एरो। ये पैनोरमिक वो लगा दिया है इन्होंने बच्चों ने जो कुछ भी है। ये मूवी का है इसमें एक क्लिक करना प्लीज स्टैंडर्ड साइज देखें पता नहीं इसमें इसका इतनी देर में समय निकल जाएगा इससे तो बेटर तो मोबाइल है दिया जी यार ये सामने से दुमान है वो पूरा आना चाहिए जो मेक सेंस ना और जल्दी जल्दी करना है यार रिकॉर्डिंग पे ही लगा था इतनी देर माय गॉड वो कितना खूबसूरत वो देखिए अंकल कितना खूबसूरत है ऊपर पूरा रूफ पेंटिंग है वो उसको दबा दिए ये बना के कितना खूबसूरत है मानना पड़ेगा और ये भी बहुत पुरानी वुड पे है ये भी जो बना है इससे पूरी पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी पुरानी है ये ओल्ड हो चुकी है भैया वो देखा आपने इससे इट्स सो ब्यूटीफुल अरे वाह ये पूरे रूफ पे पेंटिंग है देखिए सो ब्यूटीफुल ले चाहे हो मेरा अपमान वो बड़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान वो मुने मैं घटूं रहे इसी का ध्यान आज का दिन यहोवा ने बनाया में आनंदित हो आनंदित हो इसमें आनंदित हो आनंदित हो करें क्यों ना कुछ होता रहे स्तुति करें क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे पर्दा हटे तो Only 1981, the date, it's the people from Madaba, they drinking from this springs Moses. और 1981 से पहले तक यहाँ के मदबा के लोग इसी सोते का पानी पिया करते थे. Okay, now we go to the view, to the place where is Moses saw the promised land. हम उस जगह पर जाएंगे देखने वाले स्थान में जहाँ से परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा देश का दर्शन कराया था. First we go to the statute and we'll be explaining about the statute and we go to the tent. सबसे पहले हम स्मारक के पास जाएंगे और वहाँ ये आपको बताएंगे क्या उसके बारे में क्या जानकारी उसके बाद हम और आगे जाएंगे. Now three miracles make Moses in his trip. First miracles in Egypt. तीन उसके जो पूरे यात्रा की सेवकाई थी तीन अलग अलग स्थानों पर उसने आश्चर्य कर्म के पहला मिस्र में the second miracle in पेट्रा इन वादी मूसा और वादी मूसा में पेट्रा में दूसरा आश्चर्य कर्म उसने किया third miracles here और तीसरा आश्चर्य कर्म उसने यहाँ किया and he saw the promised land and he stayed in this mount और यहीं पर रह करके उसने प्रतिज्ञा देश को देखा और यहीं पर रहा. Okay, nobody knows where Moses is died. Only the God. किसी को पता नहीं मूसा की मृत्यु कहाँ हुई और वो कहाँ पर दफन हुआ सिर्फ खुदा को पता है. Okay, now we go to the statue. आइए हम लोग
smart. Can see the face from Adam, Abraham, Moses and Jesus. Now you can see here. Yeah, you can see this book example about the Old Testament and then you आपके लेस खुले लेस खुले जीते हैं अबे सब आ गया आ रही थी एक्सक्यूज मी एक बार मैं ऊपर तक ले जा रहा हूँ हम बता दे तुम्हें करना क्या है जाओ खरीद सर ये जो चर्च में आपने मोज़ेक की देखी थी जो मैप देखा था ये वही है और ये वही चीज़ें हैं और ये पुराने समय में जब लोग गुफाओं में रहते थे तो ये स्थान कुछ उसी तरह के हैं ये जगहें उसी तरह की हैं आपको हम बताना चाहते हैं और ये पीसेस ओरिजिनल हैं आपके सामने जो इसमें दिख रहा है यहाँ लोग पहले गुफाओं में रहते थे अब इस जगह चर्च बना दिए गए दीज थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड स्पेशली आप सामने देख रहे हैं कि जो कांच में बंद करके रखा गया है स्पेशली प्रिजर्व ओरिजिनल पीसेज हैं दीज आर प्रिजर्व ओरिजिनल पीसेज द प्लेस इज प्लेस वॉज ओरिजिनल सच्ची थी ओरिजिनल थी और लोग यहाँ खुदा की आराधना किया करते थे आपकी और ये तब की बात मैं बता रहा हूँ कि जगह उस जगह के करीब है जहाँ हम लोग ने बाहर सांप देखा था सलीब के ऊपर लपटा हुआ और उसी के पास में लोगों ने यहाँ पर आ करके जिस तरह से वो सांप से छुटकारे के लिए सलीब को देखा गया उसी तरह से लोग इसको देखते हैं
इतनी दूर से यहाँ आ गया स्टैंड बाई के साथ, रिकॉर्ड ही नहीं हो क्या? मूवी कर रहे हो यहाँ? हाँ तो ये उसको पहले कौन सा बटन है? ये एक्शन नहीं, ये प्ले आया मूवी लगाई, इससे मोड यहाँ से चेंज होगा लगा लगाई ट्वाइलाइट हुआ, ये मूवी मोड है ना, इसको ये बीच का प्ले होगा होगा, उसमें प्ले का बटन दबाइए, प्ले का जो आप जिससे क्लिक करते हैं हाँ दबाइए। हाँ यस नाउ इट्स स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सच में ये इन सब चीजों के लिए तो भैया एटलीस्ट इट शुड बी 2 वीक्स, इट्स सो कल्चरली रिच, आप उस चीज को आप यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर की छूट जाएंगे। जी हाँ गाइड को तो बिल्कुल बताना चाहिए आपके साथ। द स्टेल ऑफ मैशा किंग ऑफ मोआब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, खेरबेत अल मुखियार, दिस इज द टाउन ऑफ नीबो, नीबो पहाड़ पर बसाया गया शहर, इसका नाम खेरबेत अल मुखी, और ये आयरन एज के आपके मोआबी कुछ मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड दीज आर द ओल्ड माइलस्टोन्स, हम लोगों के में बहुत सालों बाद इंडिया में दिखाई देना शुरू हुए, लेकिन ये बहुत पहले से यहाँ पर प्रेजेंस में है। हाँ ये इसके बारे में यहाँ दे रखा है कि ये 213वीं शताब्दी का है, इसमें द वर्क्स वर कैरीड आउट बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर फुर्नियस इल्यूनियस इन 213 AD एट द टाइम ऑफ एम्परर काराकैला। चलो सब निकल गए। अगेन सम स्मॉल पीसेस ऑफ जार्स एंड पॉटरी वर्क, द माइलस्टोन ऑफ रोमन एस्बूस लिबियास रोड, द थ्री मेन फेजेस ऑफ मेमोरियल ऑफ मोसेस। चलिए फिर फटाफट फटाफट, अब कुछ दिखाएंगे नहीं और बोलेंगे कि हम लेट क्यों कर देते हैं। फिर से उसको दबा दें, बहुत कम फिर से दबा दें, हाँ बंद करने के लिए। हाँ जी थैंक यू। अभी लगभग सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग अपने होटल से निकले हैं और जॉर्डन को अब हम छोड़ने जा रहे हैं, और हम थोड़ी समय में हम लोग इसराइल में बॉर्डर में हम लोग एंटर करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग आपको इसराइल बॉर्डर के पार में। थैंक यू, जय मसीह। सरकारी नियमों के अनुसार उड़ान के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन स्विच ऑफ या फायर
operate your seatbelt and fasten the magnet into the buckle. To tighten, pull the loose end of the strap and to open, lift the buckle. Keep your seatbelt fastened and all hands wide open. If there is a loss in cabin pressure, oxygen masks will drop down automatically from the panel above you. Remain seated and pull the mask down sharply to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your mask on first before assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 forward exits, 2 rear exits and 2 exits over the wings on each side of the aircraft. In case of an evacuation, prevent the trips along the floor and drive to your nearest exit. For the convenience of our visually impaired customers, we have a safety instruction card and an information guide available in brief. Government regulations require that all electronic devices be switched off and mobile phones should be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. और अब हम आपके लिए इंडिगो की रिटेल थेरेपी मैगजीन हेलो 60 पेश करते हैं जिसमें आकर्षक मूल्यों पर उपलब्ध जलवायु की जानकारी दी गई है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान यात्री की बातें डिलीट की जाएंगी। आपसे निवेदन है कि पढ़ने के लिए पानी से लगी बत्ती का उपयोग करें। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मे वी ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस हेलो 60 आवर रिटेल थेरेपी मैगजीन। इट ब्रिंग्स टू यू अ रेंज ऑफ अट्रैक्टिव मर्चेंडाइज एंड अटेंडिंग द वे ऑफ स्नैक्स एंड बेवरेजेस फॉर सेल एट वेरी कंपेयरेबल प्राइसेस। The main cabin lights will be dim during takeoff and landing. Kindly switch on the reading light located in the panel above you if you wish to read. Thank you and have a wonderful flight. Thank you.
जी
finally landed in Oman, Muscat. Wow. ओमान का B2 एरिया है और हमें B2 गेट से निकलना है। अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ 45 मिनट के लिए हम लोगों को अभी यहाँ समय मिला है और हम लोग यहाँ समय अभी गुजार रहे हैं। और यहाँ का भी स्टैंडर्ड टाइम अभी कुछ 1 बजे के आसपास कुछ है। Thank you.
इस समय मस्कट से अम्मान की ओर जा रहे हैं और अभी प्लेन ने उड़ान नहीं भरी है। Jacket from its pouch. Slip it over your head, clip and tighten the straps around your waist. Prior to leaving the aircraft at the exit, pull the red toggles to inflate the life jacket automatically. To inflate it manually, blow into the tube. Life jackets are fitted with a light which will illuminate automatically in water. When leaving the aircraft through the wing exits, the life jacket must be inflated outside the aircraft or on the wing. No. देखो ये दूसरा वाला तो नहीं हुआ। इधर आओ, उषा सिस्टर, ले लिया आपका, ले लिया। हाँ, अरे आप किधर से आए फिर भाई? आपने हाथ हाथ पकड़ लिया और फिर आपने तो छोड़ा, हम तो हाथ पकड़े हुए थे। कहाँ जा रही आंटी? हाय फ्रेंड, तुम्हें सौंप देते खुदा उन चाहते एक एक कदम पर तेरी मदद मिले ताकि हम खूब इंजॉय कर सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। अपने बेटे के खून में हम सब कुछ छिपा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। The ITH, how you can say it? Yes. And my colleague, Mr. Riyad, he's our driver for today. Now we are on our way to Spar Hotel. S-P-A-R-R. Spar Hotel. The road will take maybe 30 minutes to 40 minutes. Depend on traffic in Amman, because we are in Ramadan. Maybe we will reach on rush hour, because we will reach before the iftar in half 30 minutes or something like this. So maybe we will face some traffic. I will
inform you about tomorrow. Tomorrow your wake up call at 6:30. 6:30 a.m. Your breakfast at 7. And you have to be ready at 7:45, because your movement at 8 o'clock. And about the dinner today, at 8:30. Okay? Thank you so much. थैंक यू. उनका नाम गेट है जो हमारे गाइड हैं. और आज की सूचना यह है कि आज हम 8:30 बजे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल हम आपको दिखा देंगे. 8:30 बजे आ जाएंगे, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर आप अपने रूम में आराम कर सकते हैं. कल सुबह 6:30 बजे का वेकअप कॉल होगा, अपने आप आपके कमरों में कॉल्स आएगी. पर आप खुद भी अपना अलार्म सेट कर लीजिएगा जॉर्डन के टाइम से, इंडिया के टाइम से नहीं उठना है. जॉर्डन के टाइम से उठ जाएंगे, 6:30 वेकअप कॉल एंड 7:00 डाइनिंग हॉल में नाश्ता तो शुरू हो जाता सुबह से, पर आप 7:00 से आएंगे और कोशिश करेंगे हम अपने टाइम पे आए, क्योंकि और भी ग्रुप्स रुकते हैं उनको डिस्टर्ब होगा. तो हम लोग 7:00 से 7:45 के बीच में ब्रेकफास्ट करके 7:45 a.m. पे लॉबी में आ जाएंगे. 8:00 बस छूट जाएगी. अगर बस छूट जाए तो हम आपको जगह बता देंगे, आप टैक्सी करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर कोशिश हो कि आप बिफोर टाइम आ जाए ताकि हम समय का सही उपयोग कर सके. कुछ जरूरी सूचना है, जब हम होटल पहुंचेंगे सामान लॉबी में आएगा, आप धीरज रखिएगा. रूम प्लान ऐसा किया गया है कि 100% आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपके फैमिली मेंबर्स के अनुसार, आपके फ्रेंड्स के अनुसार. तो सबसे पहले हम कीज ले लेंगे अपने अपने रूम के. अगर बाद में उसके बावजूद भी किसी को कोई आपस में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेम सब जगह फॉलो करना है. तो मेहरबानी से सब लोग कोऑपरेट करेंगे. और जब खास तौर से कीज लेने के समय मुझे पहले दो तो मेहरबानी से इस चीज को ध्यान में रखेंगे और एकदम आराम से रहेंगे. सबको चाबी मिलेगी, सबके लिए कमरे का प्रबंध है और सब चीजों को ध्यान में देंगे. और दूसरी चीज है कि अपना पासपोर्ट बहुत संभाल करके रखेंगे, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट कहीं भी गड़बड़ हुआ, छूट गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. इसलिए प्लीज अपना पासपोर्ट संभाल के रखें. जब आप कभी भी घर कमरे में से बाहर जाते हैं तो अपना जो भी पैसा वगैरह है, सोना चांदी कीमती चीज, अपने साथ लेके जाएं, कमरे में ना रखें. हालांकि ये लोग गारंटी देते हैं पर कुछ कह नहीं सकते. और फिर ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपना पैसा, अपनी चीजें हमेशा अपने साथ रखेंगे. जो जो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आए, मेहरबानी से अपने परिवार के सदस्यों का देखरेख करेंगे. जो जिसके रूम में जो रूम पार्टनर होगा वो हमेशा ध्यान में रखेगा कि हमारा रूम पार्टनर आया नहीं आया, कीज किसके पास है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. एक ही आदमी को जिम्मेदारी दें कीज की, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है. बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रिप हमारा बहुत ही कामयाब होगा. और आप लोगों के जो अभी से रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा बहुत ही स्ट्रांग है. और हम कोशिश हमारी है, जो आइटनरी में हमने प्लान दिया है वो एक सिर्फ एक ढांचा है, एक फाउंडेशन है, पर अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो उससे ज्यादा हम लोग बेटर कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज आप लोग जरूर से हमारे साथ सहयोग करें. कल हमारे नए गाइड मिस्टर मैजन आ जाएंगे, जो हमको हमारे आइटनरी के अनुसार डेड सी का इलाका, माउंट निबो वगैरह जो हमारे प्लान में था वो ले जा करके दिखाएंगे. पानी की बोतल आपको दी जा रही है, अपना बोतल ही इस्तेमाल करें, किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करें. बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, फ्रूट्स बहुत ज्यादा है. आज 3 तारीख है और सुबह के अभी बजे हुए हैं 6, अभी सुबह के 6 बजे हैं और ये हम इस समय अम्मान के होटल में हैं.
स्पार होटल है इसका नाम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैठने का इंतज़ाम है, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। ड्रिंकिंग का एरिया है इनका, यहाँ ये ड्रिंक कर सकते हैं। सुबह के 6 बजे के आसपास है और आज 3 तारीख है और इस समय हम स्पार होटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं और ऊपर इनके झंडे लहरा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कारों के निकलने का है, यहाँ से कारें आए, ये पीछे इनका कारों के खड़े करने का, गाड़ियों के खड़े करने का है। और जो खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, सब होटल हैं आपके आसपास जितने हैं आपको दिख रहे हैं। स्पार होटल सामने से देखने से कुछ इस तरह का लगता है और आप देख रहे हैं कि ये कोई बहुत ऊंचा या बड़ा नहीं है, कुछ 4 मंजिला कुछ इसमें इमारत का है और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा शांति भरा है, सुकून भरा एरिया है। बड़े लोग अभी शांत हैं, सुबह शायद अभी उठे नहीं हैं, सुबह के 6 बजे के आसपास का समय है और अभी ब्रेकफास्ट शुरू नहीं हुआ है और मैं यहाँ बाहर हूँ और यहाँ के इनके लैंप के शेड्स भी आप देख सकते हैं, ये इनके लैंप शेड्स हैं। लोगों का निकलना अब शुरू हुआ है, दिखाई दिया है। फिर से दिखाता हूँ, स्पार होटल इसका नाम है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक शू पॉलिशर मशीन एंड देयर आर द मोड्स फॉर इट्स ऑटो वर्क हैंड एंड कॉइन विच एवर वे यू वांट टू You can use it and you can polish a shoe. This is big, is a machine. This whole big can actually stores the polish and below are the brushes. You could see over there to brush your shoe. You could see over here and here too. मेरे कमरे का नंबर 307 है लेकिन इस समय मैं 302
10 से 321 कमरे की ओर बढ़ रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां पर और क्या क्या है मेरे इस फ्लोर पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बैठक है, आपकी दो सोफे हैं अलग से बाहर, एक कमरों के बाहर एक बैठने का एरिया बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं खूबसूरत सोफे हैं, पीछे लैम्प शेड भी लगा हुआ है और आपका एक छोटा रूम एसी यहाँ फिट कर रखा है। अंदर की फिटिंग तो समझ में नहीं आई मेरे को, नींद देर में आई पिछली रात, थकान थी तो जल्दी सो गया, लेकिन आनंद नहीं आया। और हम लोगों को वैसे भी आदत है कि पंखे में सोएं। ये खूबसूरत पेंटिंग सी लगती है जो वेलवेट पर बनी हुई है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, इट्स मेड ऑन वेलवेट एंड ये वेलवेट पर बनी हुई है। हम जॉर्डन के अम्मान शहर में, जो कि उसकी राजधानी भी है, उसके होटल स्पार में हैं और सुबह के अभी 7 बजे हैं और 7:30 बजे भी, 7 नहीं 7:30 करें। और रिसेप्शन एरिया पर अब यहाँ लोग मौजूद हैं एंड यहाँ पर हमारे गाइड बैठे हुए हैं, ये हमको गाइड करेंगे पूरे रास्ते, आज के गाइड हैं। एंड ये हमको टीम है ईशा, ये और ये शायद हमारे बस ड्राइवर हैं। और आगे देखते हैं, दीज आर सम पीपल वेटिंग ओवर हियर, जो अलग अलग जगह से आए हैं। इनका सामान आपने देखा था कि बाहर रखा हुआ था, एंड दीज पीपल आर हियर परहैप्स टू लीव, शायद जाने वाले हैं। कुछ जगहों को दिखाया था, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा था, बटर चीज़ और पता नहीं पाव जैसी कोई चीज़ थी वो थी अवेलेबल। एंड यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोग शायद जा रहे हैं, दे आर अबाउट टू लीव। कल कहीं फिर आप लोग निकले थे खा पी करके बाद में? कहाँ? रात में कहीं टहलने घूमने? अब सब लोग तो ऊपर चले गए, हमने कहा कि चक्कर लगाया हो कहीं आपने, हो सकता। Please sit in place. Don't anybody move.
because we are waiting. Well, 5 minutes, I will be moved. If they are not coming, we have to move. Because we have a plan. Yes. अरे तो बढ़ गई. These two are coming. अभी वो ladies थी. Please no, sit down. Please sit down. You have the time and you have the time. My two leader, they told me the time and now we are late in quarter hour. आ गई आ गई आ गई आ गई. Okay. Other side. Can you, madam? The bus should be leave in the queue. We have time. If you are not in the time, somebody, the bus, they will be moved and you should be take taxi. Because you're late, one late, and it's not comfortable to wait the group. The group is in the time, you should be in the time. If anybody one late after 5 minutes, I will be moved and you will be take the taxi. Because it's not polite to wait for the people. And the 43 people, they're waiting about one, you want to take pictures. We give you the time, you should be in the time. Please. Tomorrow you have porter, you should be in the time. अपने टाइम को मैं खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद वापस पाई तेरी उपस्थिति के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुझे मुमकिन किया कि हम लोग ऐसे टीम यहाँ पर आने वाले हो सके खुदावंद. और जब से हमने अपना जर्नी शुरू किया हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर सक रहे हैं खुदावंद. हम उससे यही दुआ करते हैं कि आगे से हमारे ट्रिप में हमारे साथ हो ग्रुप में यूनिटी को बनाए रखना खुदावंद. और सिर्फ हम तो सारी पॉजिटिव बातें होती रहे सारी नेगेटिविटी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खर्च कर सकते पैरों के नीचे. और यही दुआ करते हैं तेरी होली स्पिरिट हमको गाइड करे कदम कदम पे और हम इस ट्रिप को बहुत इंजॉय करने वाले हो सके. हर तरह की परेशानियों से बचा करके रखना सेहत और तंदुरुस्ती में रखना. और खुदावंद बड़ी टेस्टिमनी और अटॉर्निटी को ले करके हम यहाँ से जाने वाले हो सके. सब चीज़ को तेरे पाक लहू के नीचे तेरे प्लान के नीचे छुपा तेरे ही बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते सुनो कबूल कर. आमीन. चर्चा की गई ये जिस जगह पे हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है सेवन सर्कल इसको बोलते हैं जो शहर को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से जोड़ता है. ये मेन सेंटर है इस अम्मान का. जब आप इस देश के किसी नागरिक से पूछेंगे तुम किस धर्म के हो किस जाति को हो तो धर्म जाति नहीं बताएगा वो बोलेगा मैं जॉर्डेनियन. और ये बहुत बड़ी चीज है जो सब अलग अलग कंट्री के क्योंकि यहाँ पर अरबी लोग भी रहते हैं इजिप्शियंस भी रहते हैं पैलेस्टाइन भी रहते हैं और आसपास के जो क्रेती लोग हैं वो लोग भी रहते हैं. इस तरीके से हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के हर इलाके के लोग यहाँ पर रहते हैं इजिप्शियन बड़ी नंबर में रहते हैं. पर अगर आप सबको मिला के देखेंगे तो सबके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी है और इनका हारमोनी बहुत अच्छा है काम करने का और रहने का. हमें $4 के जूते चार जेडी के जूते एक जेडी है $2.5 का.
क्या लेडी क्या बोला? इफ $1 इज अराउंड $1 इज अराउंड 71 नहीं ही तो $1.5 वन एंड हाफ लिसन 1.5 वो जो गाइड बोल रहा था लिसन 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 इट्स एक्चुअली 2 point something JD नॉट डॉलर लिसन केयरफुली जॉर्डेनियन डॉलर इज कॉल्ड इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड JD सो दैट इज 2.5 अराउंड वेन वी आर टॉकिंग ऑफ $US में इसका तो वो उसके बीच का है अब इफ इट्स 2.5 तो मल्टीप्लाइड बाय 71 इंडियन रुपीज इज अराउंड 71 तो मल्टीप्लाइड 2 into 2.5 विद दैट अच्छा ये घूम करके वी आर एट द बैक ना वापस आ गए मैंने कोई सामान न खरीदा दिस इज मदाबा दिस इज मुआब लैंड होटल एंड आइट इन फ्रंट ऑफ दैट वी आर हैविंग वन चर्च ओवर हियर दिस इज मदाबा चर्च And this is St. George Greek Orthodox Church. And photos are allowed, but without flash, it's written. Likha gaya hai, tasveere khinche, lekin bina flash ke. लेफ्ट साइड में चले जाए राइट साइड माय प्लीज हेल्प मी एवरी प्लीज टू ट्रेन द ग्रुप ओके प्लीज कम वंस एक बार आ जाइए फिर जाइए आई नो इन्फॉर्मेशन पत्र देन ऑल द अदर गाइस बिकॉज़ आई वर्किंग हियर फॉर इयर्स गुड 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 या एंड सो यू सी सो यू This is St. George Church, Madaba. My friend, please go to the lecture floor. Please. ये इनके कौन लोग हैं? मैं बहुत दिन हो गया शूट नहीं किया हूँ प्लीज सामने मत आइए सामने मत आइए मूव इन डिफरेंट कुड नॉट शूट इमेज थोड़ा सेटिंग कर दीजिए ये मीनू में जाके इसकी आपको सेटिंग पैनोरमा शॉट तो लगा रखा है तो कहाँ से होगा मीटिंग मोड मूवी मोड पैनोरमा स्टैंडर्ड पैनोरमा साइज मूवी भी पॉइंट बैलेंस इससे बाहर मीटिंग मोड नया कैमरा लिया है क्या नया कैमरा है इसमें कैमरा तो है 4-5 साल पुराना पर बच्चे लोग
प्लीज शटर क्या प्रेस शटर एंड मूव कैमरा डायरेक्शन ऑफ एरो। ये पैनोरमिक वो लगा दिया है इन्होंने बच्चों ने जो कुछ भी है। ये मूवी का है इसमें एक क्लिक करना प्लीज स्टैंडर्ड साइज देखें पता नहीं इसमें इसका इतनी देर में समय निकल जाएगा इससे तो बेटर तो मोबाइल है दिया जी यार ये सामने से दुकान है पूरा आना चाहिए शुड मेक सेंस ना और जल्दी जल्दी करना है यार रिकॉर्डिंग पे ही लगा था इतनी देर माय गॉड वो कितना खूबसूरत है वो देखिए अंकल कितना खूबसूरत है ऊपर पूरा रूफ पेंटिंग है वो उसको दबा दिए ये बना के कितना खूबसूरत है मानना पड़ेगा और ये भी बहुत पुरानी वुड पे है ये भी जो बना है इससे पूरी पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी पुरानी है ये ओल्ड हो चुकी है भैया वो देखा आपने इससे इट्स सो ब्यूटीफुल अरे वाह ये पूरे रूफ पे पेंटिंग है देखिए सो ब्यूटीफुल ले जाए हो मेरा तुम्हार वो बड़े मैं घटू रहे इसी का ध्यान वो मुने मैं घटू रहे इसी का ध्यान आज का दिन यहाँ ने बनाया में आनंद को आनंद करें इसमें आनंद को आनंद करें क्यों ना कुछ होता रहे स्तुति करें क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे पर्दा हटे तो Only in 1981, the people from Madaba, they drinking from this springs mosses. और 1981 से पहले तक यहाँ के मदबा के लोग इसी सोते का पानी पिया करते थे. Okay, now we go to the view, to the place where Moses showed the promised land. हम उस जगह पर जाएंगे देखने वाले स्थान में जहाँ से परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा देश का दर्शन कराया था. First we go to the statue and we'll be explaining about the statue and we go to the tent. सबसे पहले हम इमारत के पास जाएंगे और वहाँ ये आपको बताएंगे क्या उसके बारे में क्या जानकारी उसके बाद हम और आगे जाएंगे. Now three miracles make Moses in his trip. First miracles in Egypt. तीन उसके जो पूरे यात्रा की सेवकाई थी तीन अलग अलग स्थानों पर उसने आश्चर्य कर्म के पहला मिस्र में the second miracle in Petra in Wadi Musa और वादी मूसा में पेट्रा में दूसरा आश्चर्य कर्म उसने किया third miracles here और तीसरा आश्चर्य कर्म उसने यहाँ किया and he saw the promised land and he stayed in this mount और यहीं पर रह करके उसने प्रतिज्ञा देश को देखा और यहीं पर रहा. Okay, nobody knows where Moses is died. Only the God. किसी को पता नहीं मूसा की मृत्यु कहाँ हुई और वो कहाँ पर दफन हुआ सिर्फ खुदा को पता है. Okay, now we go to the statue. आइए हम लोग
Smart. Can see the face from Adam, Abraham, Moses and Jesus. Now you can see his face. Yeah, you can see this book. It's simple about the Old Testament and then you the mosaic from 16th century Byzantine Empire. List khulein. Yes. Okay. अबे सब सुन रहा आगे आ रही थी। एक्सक्यूज मी, एक बार मैं ऊपर तक ले जा रहा हूँ। हम बता दें तुम्हें करना क्या है। ये जो चर्च में आपने मोज़ेक की देखे थे, जो मैप देखा था ये वही है और ये वही चीज़ें हैं। और ये पुराने समय में जब लोग गुफाओं में रहते थे तो ये स्थान कुछ उसी तरह के हैं, ये जगहें उसी तरह की हैं। आपको हम बताना चाहते हैं और ये पीसेस ओरिजिनल हैं के सामने जो इसमें दिख रहा है, यहाँ लोग पहले गुफाओं में रहते थे, अब इस जगह चर्च बना दिए गए। दीज थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड स्पेशली। आप सामने देख रहे हैं कि जो कांच में बंद करके रखा गया है, स्पेशली प्रिजर्व ओरिजिनल पीसेज हैं। दीज आर प्रिजर्व ओरिजिनल पीसेज। द प्लेस वॉज ओरिजिनल, सच्ची थी, ओरिजिनल थी और लोग यहाँ खुदा की आराधना किया करते थे आपकी। और ये तब की बात मैं बता रहा हूँ कि जगह उस जगह के करीब है जहाँ हम लोग ने बाहर सांप देखा था सलीब के ऊपर लिपटा हुआ, और उसी के पास में लोगों ने यहाँ पर आकर के जिस तरह से वो सांप से छुटकारे के लिए सलीब को देखा गया, उसी तरह से लोग इसको देखते हैं।
इतनी दूर से यहाँ आ गया स्टैंड बाई पे था, रिकॉर्ड ही नहीं हो क्या? मूवी कर रहे हो यहाँ? हाँ तो ये उसको पहले कौन सा बटन है? ये एक्शन नहीं, ये प्ले का है, मूवी मूवी लगाई, ये सब मोड यहाँ से चेंज होगा आई थिंक, लगा लगाई ट्वाइलाइट हुआ, ये मूवी मोड है, अब इसको ये बीच का प्ले होगा होगा, उसमें प्ले का बटन दबाइए, प्ले का जो आप जिससे क्लिक करते हैं हाँ दबाइए, हाँ यस नाउ इट्स स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सच में ये इन सब चीजों के लिए तो भैया एटलीस्ट इट शुड बी 2 वीक्स, इट्स सो कल्चरली रिच, आप उस चीज को आप यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर की छूट जाएंगे। जी गाइड बताना चाहिए क्या चीज़? हाँ गाइड को तो बिल्कुल बताना चाहिए आपके हमारे साथ। द स्टेल ऑफ मैशा किंग ऑफ मोआब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, खेरबेक अल मुखिया, दिस इज द टाउन ऑफ नीबो, नीबो पहाड़ पर बसाया गया शहर, इसका नाम खेरबेक अल मुखी, और ये आयरन एज के आपके मोआबी कुछ मिट्टी के बर्तन यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, एंड दीज आर द ओल्ड माइलस्टोन्स, हम लोगों के में बहुत सालों बाद इंडिया में दिखाई देना शुरू हुए, लेकिन ये बहुत पहले से यहाँ पर प्रेजेंस में है। हाँ ये इसके बारे में यहाँ दे रखा है कि ये 213वीं शताब्दी का है, इसमें द वर्क्स वर कैरीड आउट बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर फुर्नियस इल्यूनियस इन 213 AD एट द टाइम ऑफ एम्परर काराकैला। चलो सब निकाल लो, अगेन सम स्मॉल पीसेस ऑफ जार्स एंड पॉटरी वर्क, द माइलस्टोन ऑफ रोमन एस्बूस लिबियास रोड, द थ्री मेन फेजेस ऑफ मेमोरियल ऑफ मोसेस। चलिए फिर फटाफट फटाफट, अब कुछ दिखाई नहीं और बोलेंगे कि हम लेट क्यों कर देते हैं। फिर से उसको दबा दें, बहुत फिर से दबा दें, हाँ बंद करने के लिए। हाँ जी थैंक यू। अभी लगभग सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग अपने होटल से निकले हैं और जॉर्डन को अब हम छोड़ने जा रहे हैं और हम थोड़ी समय में हम लोग इसराइल में बॉर्डर में हम लोग एंटर करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग आपको इसराइल बॉर्डर के पार में, थैंक यू, जय मसीह।
एकदम सही जगह बैठे हैं ना, ये दोनों जा रहा थोड़ा यहीं से लिखा था। अच्छा अच्छा लिखा था ये मुझे लगता है। कैन गिव यू इमीडिएटली द आंसर अबाउट आवर कंट्री। यस एंड बिग क्लब फॉर आवर ड्राइवर खालिद। बिग क्लब फॉर खालिद प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट द ड्राइवर द पायलट बिकॉज विदाउट द पायलट वी कैनॉट रीच एनी प्लेस इन आवर कंट्री। यस सो ही मस्ट बी ऑन टाइम इन गुड पोजिशन टू रीच द प्लेसेस। हालेलुया। Normally we get outside from the border of Sheikh Hussein, yes, into Israel. So Israel, it is establishment 1948, 14 May 1948. शुरू होता है इसराइल और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंचाई की एक अजीब ही अलग व्यवस्था है यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्प्रे पानी। ओके ओके ब्रदर सिस्टर। Yes, our president of Israel is named Ruvi Rivlin. Yes, and our capital of Israel is Jerusalem, where is Abraham wanted to sacrifice his son Isaac. Israel में आप सबका स्वागत है। Israel की राजधानी Jerusalem है, जहाँ पर Abraham ने अपने बेटे Isaac की कुर्बानी दी थी। हमारे जो गाइड है उनका नाम नबील है और जो ड्राइवर साहब है उनका नाम खालिद। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप इनसे आके बात भी पूछ सकते हैं इस देश के बारे में। और अभी हम यहाँ से सीधे also the tax here. Yes, there somebody asked Peter to pay the tax and Peter he told him I don't have money to pay you. Let me ask my professor and I will give you the answer. He go to Jesus and Jesus he said money for tax, tax and money, yours money, yours money. In this moment he tell him okay but I don't have, so what I can, what I must do? He tell him very easy, go to the fish, drink one money for you and one for me and go to pay the tax. From this moment became the fish, his name Saint Peter Fish. Okay, praise the Lord. बहुत ही प्रचलित स्थान है। जिस तरह हम इस देश में प्रवेश किया और हमें टैक्स या कर पे करना पड़ा, उसी तरीके से पत्रस से लोगों ने पूछा कि भाई तुम हमें टैक्स दो जब वहाँ रह रहे थे। वो परेशान हुआ, अपने गुरु के पास गया, प्रभु यीशु मसीह के पास। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सलाह दी, जाओ मछली मारो, उसके मुंह में सिक्का मिलेगा, उसके कैसर का और अपना दोनों का टैक्स, जो कैसर का मेरा और अपना टैक्स पे करो।
और इस वजह उसके बाद से इस मछली का नाम सेंट पीटर फिश जो है उसी के यादगार पर रखा गया। जॉर्डन, वी आर स्टिल इन द वैली ऑफ जॉर्डन, यस द जॉर्डन वैली, यस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्टिल वी आर इन जॉर्डन, सो दिस इज द वैली इज नेम बेच एंड वैली स्केटोपोलिस, बेच एंड इन दोज डेज वाज हिज नेम स्केटोपोलिस, Scotopolis and Bechan was the Decapolis, which means the capital of 10 towns. The 10 towns today it is in Jordan. Okay? दाहिनी तरफ जो वादी दिखाई दे रही है क्योंकि दाहिनी तरफ जॉर्डन है, जॉर्डन वैली, और यहाँ पर जो 10 सिटीज जिसको डेकापोलिस बोलते हैं उसका राजधानी था। We are a very fertile land. You can look in our right and left side. The wheat and the cucumbers and the watermelon and the tomatoes in the road. Yes, you can look in and the mango and the olive tree and the almond. All these things will be behind your visiting. Hello. आपके दाहिनी बाईं तरफ की जो भूमि है. Cold area, India. Right? You can ask. After Tatka, we go to the house of Peter. Primacy. Where is Jesus? After he was died, he is resurrection. I am believer. Jesus is born. Jesus died. Jesus resurrection. And Jesus ascension. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Understand this. So Jesus, he is born, he is died and resurrection. When he resurrection, the third day, Mary and Mary Magdalena visiting that tomb, was the rock moving and the angel told him, just don't worry. What he said, Jesus, he is going to bed and to resurrection, just announce the disciples to wait for him in the Sea of Galilee. So this night was Peter, John, Nathanael and his brother of Peter, and three not mentioned in the Bible, the names of the disciples, was fishing all the night and no fish any fish. In the morning early, transfiguration Jesus and already start to prepare the food in the garden, fish and bread, and he asked if they fishing any fish and tell him all these things. Today, in the evening, I will make surprise for you. Will you all be happy? Yes. If you are happy, I am happy. If you are not happy, me no happy. You agree with me? Yes. So you want to be happy. Yes. So I look me when I reach home to put my head in the pillow and sleeping quiet. Yes? So I take you after the all those things, if we are cooperate everything, both right. Both right. And we dancing there. Both right. And we dancing there. Huh? Remember? Yes? Okay. Thank you very much, Brother Nawal. तो हम लोग अभी जॉर्डन रिवर जा रहे हैं बैप्टिज्म के लिए, आप पहले से प्रिपेयर करिएगा, वहाँ से हम लोग दाबगा जाएंगे जैसे बताए यहाँ के लोग। ओलिव का पेड़ है सामने, आपको ओलिव का पेड़ दिख रहा है। मेहरबानी से रिक्वेस्ट है कि आप शॉपिंग के लिए नहीं रुकेंगे, सबसे पहले हम लोग बैप्टिज्म के लिए जाएंगे। $10 के दिए थे पता है, पहले $10 के दिए थे मम्मी, तुमने ठीक है, पहले नहीं देने, नहीं वो नहीं है, कुछ और है। In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee, was baptized by John in the Jordan, and when he came to the water, immediately he saw the heavens open and the Spirit descending upon him like a dove, and a voice came from heaven, Thou art my beloved Son, with Thee I am pleased. अब बाकियों का भी इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा कोई।
और आपका अपना वो वाला होगा ना फोन, फोन मोबाइल, उससे फोन से एक फोटो खींच लीजिए, अलग से वाली वीडियो बनाते रहिएगा, और जब खड़े होंगे खाली खड़े वाले की फोटो उसमें। अतुल इधर आने तो आओ, ये देखो इतना ये क्लियर ठीक आ रहा। यार ये कहानी क्या है, ठीक अब रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो तो अपना मोबाइल लो, उससे फोटो ले लेना, फोटो चप्पल फिसलेगा। अरे मेरी प्रभु, अरे ये तो और ये वो गले का वो निकालो, ये पकड़ लिया वाले सब देखने। अब आई क्विक पिक्चर्स, ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम दिस, ठीक है? ठीक है तो आप ग्रुप में डाल देंगे तो ले लेंगे, पूरा जाएंगे रिकॉर्ड कर लो। ओके आइए हम लोग गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, पहले दिन इज़राइल पहुंचे और पहले दिन परमेश्वर अनुग्रह किया कि हम लोग सीधे अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में। सभी लोगों से निवेदन है अंकल आंटी को मिला के मेहरबानी से आप खड़े हो जाएं, कुछ सवाल हम पूछेंगे आपसे बाइबल से।
जिसका आप जवाब देंगे और उसके आधार पर हम आपको बपतिस्मा देंगे। बाइबल में नए नियम में चार बपतिस्मा है, मन फिराव का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसके दुख का बपतिस्मा। मैं तो टाइम मिल रहा है चारों पढ़ाता हूँ, जिसकी जो इच्छा लेने की है। पर आज जब यहाँ पर जब जॉर्डन रिवर में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा दिया, ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात है, क्योंकि यहीं पर आसमान पहली बार उसके लिए आवाज आई है, मेरा प्रिय पुत्र है। हमारी प्रार्थना है हम सबके लिए भी स्वर्ग से यही आवाज आए कि ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पुत्री है। हालेलुया। अंकल प्लीज कम, आप मेरी जरा भी मदद लाइन से हम लोग अंदर जाके लाइन अप हो गए और इस तरफ से निकलते चले जाएंगे। बेटा आ जाओ, आप लोग भी चले जाओ, कम कम चप्पल दीजिए। हम लोग दुआ करेंगे, पास्टर सुबोध गाड़ी हमारे साथ है और हेलो, थोड़ा वीडियो करना, मैं दुआ कर रहा हूँ। एकदम आप लोग नहीं ले रहे, खुद से नहीं ठीक, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक, प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी जीवित परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, फिर एक बार पिता परमेश्वर आपके पवित्र भूमि में आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस जगह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सब को ठहराया था। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप स्वयं पैदल की यात्रा तय करके प्रभु इस जगह में आकर के बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उस धार्मिकता को पूरा किए और प्रभु आज आपके प्रिय भाई बहन, आपके संतान उसी धार्मिकता को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर इस यरदन नदी में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और बपतिस्मा के संस्कार को पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब ये अपनी जीवन की सारी पिछली बातों को पानी में बपतिस्मा संस्कार द्वारा दफन करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। प्रेमी पिता, हर एक बपतिस्मा लेने वाले को और बपतिस्मा देने वाले पास्टर शुक्ला साहब को प्रभु हम आपके जीवित और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। बड़े ही धन्यवाद और बड़े ही विश्वास के साथ ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे कुछ सवाल अगर पूछूंगा आप जवाब दीजिए, क्या विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में जी उठा? विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर? क्या विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके पापों की क्षमा और आपका उद्धार हुआ है? आपके विश्वास के अनुसार मैं आप सबको बारी बारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर की आशीष इसके हो। हम अंदर जाएंगे, रिफिल पे बारी बारी आते जाएंगे, आपको डुबाते जाएंगे और आप निकल के जाके चेंज करके वापस हम लोग एक जगह जब जमा होकर दुआ करते हैं। इधर से देखिएगा,印度文这个简单哈，大家集在一起，爸爸。आइए जिस तरफ जाएंगे, तो फिर रहे थे दुबई जो नहा लिए उसको खाने पकड़ के फलिए। Thank you.
好，可以走人了，走人了，这些都是一样的。妈妈。哎。哎，这一群菜还是不一样。我满足了。我应该冷的也能够他们很快一个一个算了我去मछलियाँ बहुत हैं लेकिन एकदम पैरों में चिपकती हैं मेरे को दे दीजिए वो देखते चलो बहुत अच्छी अब हम जा रहे हैं कमरे में आओ इधर लिख लो उधर से आओ उधर से आओ अनु अब बंद कर दे रही हूँ हाँ अब बंद कर दीजिए इत्तिबरियास की झील है इत्तिबरियास की झील शांति कहाँ है चलो
खूबसूरत है। So the first reason, because John the Baptist, the town of Tiberias was building in the grave, in the tomb. So Jesus cannot walk in the tomb. The second reason, John the Baptist, to re-baptize Jesus, and everything was under control. So one day, the daughter of Herodia, she danced for John the for Herod Antipas. And Herod, what he said to her, what you want, I will give you. She called to her mom and she asked him. And the mom, she told him, we want the head of John the Baptist. So this is the second reason Noah's entered to Tiberias. Brothers, sisters, you know, normally it was supposed to be the feast of the Muslims today. Yes, frequently he was used the birthright. Yes, and there was a lady here, her name? Mary. And what happening with her, you know very well? Yes, when touched the foot of Jesus. And after, because he made a big miracle for this woman, became the town Mary Magdala. Praise the Lord. Prepare yourself to go down to have lunch. Hallelujah. Hallelujah. Two kinds of synagogue. We have for Sfaradim and for Ashkenazim. Sfaradim, who is coming from Middle East, and Ashkenazim, who is coming from Europe. What? Yes? And we teach everybody how to make banana and everything. He made the big project of Israel, yes, to take the water from the Sea of Galilee to climb the sea level 200 meters after. Maryam Magdalene, after became again under the ground of the sea level after climbing and through the desert. Magdil, today it is known too many places in the desert. It is the green. आप देख सकते हैं कि चारों ओर कितनी हरियाली यहाँ पर मौजूद है. My friends, my brothers, my sisters, cooperate with Nitin. आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं ये माउंट ऑफ बियटिट्यूड. So you know where we going now? To the site, yes? This is the church of the Baptist. Where is Jesus in the mount? The ceremony. In the mount, he starts to preaching the 8th Baptist. This is Matthew chapter 5, 1-8. You go there, you take photo, and you come back fast to us. Please. Yeah. If somebody needs any question, ask me, you can ask about this side. Because we don't explain there. Amount of beatitude. But tomorrow, we explain in the side, in the bus, everywhere. We have more time than today. ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश दिए थे. ये वो स्थान है इस पर हम चल रहे हैं इस घड़ी. और आपके ठीक सामने यहाँ पर माउंट ऑफ बियटिट्यूड्स की एक मोनेस्ट्री दिखा रहा है. यहाँ पर हम लोगों को उतरना पड़ेगा शायद. हाँ, यहाँ गेट इस गेट से हमें अंदर जाना है और गेट के बाद तब हम उस चर्च को हम देख सकेंगे. वो स्थान जहाँ पर अब एक चर्च बना दिया गया है जहाँ पर पहले यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों का प्रचार कह कर के किया था और 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ उसके पास जमा थी और सुबह से लेकर शाम तक लोगों को अपने खाने की सुध नहीं थी. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से अपने वचन को दिल लगा करके मन लगा करके सुनने के लिए तैयार खड़े थे
आइए अब हम लोग उस स्थल पे चलते हैं और उस जगह जो चर्च बना है, बना दिया गया है, अब हम उस चर्च को हम लोग देखेंगे। चर्च है यहाँ पर जहाँ यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश दिए थे, अब उस जगह ये चर्च बना दिया गया है। ये चर्च ऑफ बीएटीट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। चर्च ऑफ बीएटीट्यूड्स, इंग्लिश में आप बीएटीट्यूड्स बोलते हो, हिंदी में हम लोग पहाड़ी वचन बोलते हैं, पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी वचन। ये पास में यहाँ कुछ शॉप्स भी खोल दी गई हैं ताकि लोग जो थक गए हैं उनको पिलाया जा सके। पढ़ते हैं ये सारे पहाड़ी उपदेश यहाँ लिखे गए हैं। ब्लेसेड आर दे हु मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड। मूविंग अहेड, another one is here, blessed are the meek for they will inherit the land. Yeah. Yeah. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are they clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for there is the kingdom of heaven. ये माउंट ऑफ बीएटीट्यूड्स का बाहर का हिस्सा है। अमाउंट ऑफ बीएटीट्यूड्स है यहाँ पर, यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश दिए थे और इस जगह ये चर्च का एंट्रेंस है। और हमें बताया था कि किस प्रकार से
लोग आशीषों को हासिल कर सकते हैं और कौन लोग आशीषित हैं, इसके विषय बताया था। अब हम लोग कफरनहूम की ओर जा रहे हैं। तिबरियास का रास्ता इधर जाता है और इसी रास्ते से होकर के आगे हम लोग जाएंगे और कफरनहूम पड़ेगा, और कफरनहूम के रास्ते पर हम लोग चल दिए हैं। अभी माउंट ऑफ बियाटिट्यूड्स पे, चर्च ऑफ बियाटिट्यूड्स हम लोगों ने देखा है। They left me, he couldn't guess. I left you, of course, professor. Second time, I left you. Third time, he remember the prayer, what happening in Mount Zion. So he told him, of course, I left. I left you, professor. And he cried. So he told him, you're going to be baroque. Where I go, I'm to go take my church. Okay? This is the place. Brothers and sisters, please. Just to see, to me. This is the place. And here... यीशु मसीह ने कंफर्म किया, प्रमिसिव पीटर पोप पॉल सिक्स रिसाइटेड एंड प्रेड साइलेंटली आफ्टर द ब्लेसिंग द क्राउड विद अ मैग्निफिसेंट जेस्चर ही ओपन हिज वाइड हिज आर्म्स एंड ओवरवेलम्ड विद इमोशन। ये तबगा का चर्च है जहां यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में यहां पर मछली रोटी खाई थी, ये वो स्थान है। और आइए इस चर्च में चलते हैं अंदर। ये माता मरियम का घर था, इसके ऊपर कुछ और ऊपर चर्च बनाया गया है। माफ करिएगा, ये पीटर की मदर इन लॉ का घर है और इसके ऊपर यहाँ चर्च शायद बनाया गया है। आइए देखते हैं। पतरस की सास के घर के पास ये एक पुराना सिनेगॉग है जो टूटा हुआ है। आप इसके खंडर अवशेष हैं, इसकी छत नहीं बची हैं, पिलर्स बाकी हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक सीट पर रह करके परमेश्वर का वचन बताया जाता था, जिसको मोसेस सीट बोलते थे। Energy coming to swimming during the summer, and you see how it is warm now, yes, and the Golan Heights, this side, Golan Heights, yes, and this is here, Kafarnahum, where we was, right side, Kafarnahum, yes, Kafarnahum here, in the top there, Mount Adidid, the Mount of the Ceremony, in the top there, yes, in our also way, we can see primacy. Primacy. In 2-3 minutes you can see primacy. Yes, the deep of the water 48 meters. Thanks God because raining this year. आप देख सकते हैं कि वो तमाम जगह कितनी नजदीक है, जैसे चर्च अब भी दाहिनी तरफ है, कफरनहूम भी नजदीक है जहाँ पर वो यहूदी आराधनालय थी, और आसपास ही वो तमाम इलाके हैं। और ये 42 मीटर गहरा है जहाँ पर जेसियर के ऊपर हम चल रहे हैं। और ये झील इस जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर समय हर परिस्थितियों में यहाँ से लोग संभाले जाते हैं और यहीं से ही पानी की व्यवस्था संचालित की जाती है। Okay, now we're going to put a Hevino Shalom. We'll bring you the peace.
Okay? If you shalom, shalom aleichem. Thank you.
इधर कौन सा शहर है ये? यरूशलम है। अच्छा ये यरूशलम है। यरूशलम में अमेरिका है। उधर उधर से ऐसे ही वो लोग रुके हुए जाने के लिए। हेलो प्रेज लॉर्ड हेलो हेलो प्रेज लॉर्ड हेलो प्रेज लॉर्ड अनासायो हेलो हेलो अनासायो जामा चकित सायो हेलो प्रेज जैतून का पेड़ करीब से ले लीजिएगा ना। ये वाला क्या है? पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत है। चीज़ हमारे तरफ के पहाड़ों में पेड़ हैं, इधर पेड़ नहीं है। ग्रास पूरी ग्रास से कवर्ड है अपने। और तभी ये पुराने समय में भेड़ों को चराने के लिए एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी आते थे कि ये घासें जो थी अवेलेबल थी। और आपका शावल भी अपनी गधियों को चराने के लिए जो खो गई थी तो पहाड़ पहाड़ अपना घूम रहा था। आज पहाड़ से उस पहाड़। आज 5 तारीख है, 5 जून 2019 है। और इस समय अभी हम लोग ब्रेकफास्ट से पहले बाहर निकले हुए हैं और ये होटल के बाहर का नज़ारा है। होटल का नाम ला परला किनरेत है और हम उसके बाहर हैं। ये उसके बगल का नज़ारा है, पीछे यहाँ कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ठीक सामने हमारे झील है यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हैं। और ये सुबह का वक्त है, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है और उसकी रोशनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर में। और पीछे पहाड़ियाँ और अच्छी लग रही हैं। और यहाँ बगल में कुछ बसें भी हैं, जो टूरिस्ट आए हैं वो उनकी बसें यहाँ पर रुकी हुई हैं। और यहाँ कुछ लोकल लोग भी हैं शायद, जो आसपास से आए हैं, जिनकी अपनी कारें यहाँ खड़ी हुई हैं। आपसे बड़ी है।
Good morning, auntie. Good morning, Maria. Praise the Lord. Church ke father. जय मसीह की। अले नाक नहीं गाना, नाक तो नहीं गाते आप? नहीं वाले, अले वाले गुड गुड बॉय। इसका पेट हल्का, मेरे ख्याल से लाइट रखिएगा, रास्ते में गर्मी वर्मी से थोड़ा कहीं और परेशान हो दोबारा। और फेस वाइप वगैरह नहीं है इनको? सेफ्टी रहेगी। आज कितनी जगहों की दिखना पड़ेगा अभी, वो मैं रखा तो है मेरे पास है जगह। शाम तक जैसे कल हाँ शाम, आज तो पूरा घूम गया ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम प्लेट छुपा लेते हैं। आइए बेटा, मैंने आपका बोले चोरी कर ली, क्या बोलते हैं मक्खन? अरे सब क्या बात है, आपके स्पेशल। जी जी अनुपम। अच्छा 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 कल बैप्टिज्म भी लोगों ने बहुत लिया वहाँ पे। और अभी डाल दी। और कौन ठीक है? और ये लोग सब going to visit the house of Mary, where is the angel Gabriel came and announced or appeared. Now you want to know it? Yes, Mary, she going to have a child and we're going to call him Emmanuel. From there, we visit Joseph's workshop. After we have lunch in Nazareth, yes, after we proceed to reach Haifa,
Maharaka, where is normally British mountains. On your right side, we have the Gilad mountains. Yes, was a town here named Tishbe. Tishbe. Tishbe, yes, and Elijah, he came from Tishbe to Carvin Mount, and he sacrificed confront of the pagan 450 Baal was coming with Isabel, or Jezebel, when she married King Ahab 700 before Jesus Christ. And in this moment, when we reach there, let us see which time we reach there, and if it's remain time, I cannot promise you from this moment, but will we show you something else. Yes? मेरिकल तब किया जब उसको इन्वॉल्व किया गया है ना, जब यीशु मसीह की माता बोली कि भाई इससे बातचीत करो, जब यीशु मसीह इन्वॉल्व हुआ तब उसने मेरिकल किया। आज भी यीशु मसीह हमारी जीवन में रहता है और हम लोग अपने घर में लगा के भी रखते हैं, जीसस क्राइस्ट इज अनसीन गेस्ट। यीशु मसीह आपके लाइफ में तब मेरिकल करेगा जब आप उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। आमेन। जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम ऐसे ही रहेंगे। तो आज बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए कि हम अपने लाइफ में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करें, ताकि जैसे उस दिन मिरेकल किया वैसे आज भी। हालेलुया। देखिए मरियम को स्वर्गदूत बोला था कितने साल पहले, 34 साल पहले, और 34 साल तक कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन मरियम को पता था एक दिन मिरेकल होगा, और गलील के काना में मिरेकल होगा। अगर खुदा ने कुछ कहा है तो 100% हमारी जिंदगी में होगा। तो हम जो लोग की शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए दुआ करते हैं, कर सकते हैं। जिनकी फेल हो गई दुआ करें फ्यूचर पास हो जाए, और जिनकी अच्छी चल रही है वो गुड से बेटर एंड बेटर से बेस्ट हो जाए। हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, और हालांकि दुआ एक ऐसी चीज है आप 2 घंटे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यीशु मसीह ने जहां जहां दुआ की, मास में जहां पर भी दुआ की, पब्लिक में शॉर्ट प्रेयर किया उसने, पर्सनल जब दुआ की तो पूरी रात भर। आप लोग पर्सनल प्रेयर होटल में पूरी रात करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब पब्लिक में है तो यीशु मसीह की तरह हमें क्या करना है, थोड़े शब्दों में दुआ करना, ठीक है? तो हमारा संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर साहब हमारे बीच में, पास्टर सुबोध गाड़िया, और ये प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद हम मिल के कौन सा गीत गाएंगे जी, पास्टर साहब प्रेयर प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, शुरू से अभी तक आप हमें संभाले हैं, हमारे शुद्ध ही हैं, यहाँ तक पहुँचाए पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे के हर एक कार्यों को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रेमी पिता, हम सबके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जहाँ भी रहते हैं प्रभु, वहाँ आश्चर्य कर्म और चमत्कार होते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आप नित्य हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बने रहे, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे। हर एक कार्यों में आपकी अगुवाई चाहते हैं, और हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। होवे की बरकत वो प्यार है की
करके अपने लिए दुआ करें कि खुदा बाप मेरी जिंदगी में मेरे कर। लेट्स क्लोज आवर आइज। पीछे कर बेटा, आइए। व्हाट ए ग्रेट डे, बहुत अच्छा। ऐसे सीरीज में बनाइए तो फोटो भी बहुत अच्छी है। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे से जब आपकी शादी हुई थी तो तीन वादे हुए थे, याद है? एक खुदा बाप से हुआ था और दूसरा एक मिस्टर मिसेस और मिसेस मिस्टर। हालेलुया। ओके, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे। आइए हम दुआ करें। सबसे पहले प्यारे खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे घर में आकर हम तेरे नाम को मुबारक हैं प्रभु। हम साधारण से लोग हैं पर हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो शब्द हम बोलते हैं उस पर आपकी आशीष होती है। आज जब हम प्रभु जी वो लोग जो अपने वॉइस को रिन्यू करते हैं खुदावन, हम दुआ करते हैं आपकी बरकत हम सबों के साथ होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं। Just remember, I love you. You're still my brother, sister. Because this reason, not everybody is coming here. Not everybody. I will take you because Rocky yesterday he told me I want to show my people more than what it's written in the ordinary. Right, brother? You tell me that or not? Yes. Tell. So I take you and I want to make you happy. जहाँ जिब्राइल फरिश्ता आके बात करा था, ये आ गया गुंबद मेरी पहुंच में। ये कौन सा चर्च बताया था भाई? वो पीतल का। पीतल तो है ही है, लेकिन तो यहूदी आराधनालय है। Where is Jesus when he reached 30 years? और जब यीशु मसीह वहाँ पर जब 30 साल का हुआ, he want to start his ministry. वो अपनी सेवकाई शुरू करना चाहता था। He make purification. और वो अपने आप को शुद्धिकरण के लिए ले गया। What does mean purification? Purification का मतलब क्या है? Because the Jewish people eat kosher and unkosher. और जो यहूदी लोग हैं वो कोशर और अनकोशर चीजें लेते खाते हैं। It means kosher. It is mean you cannot mix the animal with the product of the animal in the same time. हाँ, इसका मतलब ये है कि जानवर और उसके खून को एक साथ नहीं मिला सकते। So the Jewish people every time must to go to the synagogue. और इसीलिए यहूदी लोग हर बार यहूदी आराधनालय में जाते थे। Especially the gents. और खास तौर से पुरुष लोग। He must to be purification. और उसका जरूरत था कि वो purification करे। The women, जो महिलाएं थीं। It is minimum one time a month. और
कम से कम महीने में एक बार जाना होता था उनका. If she doesn't go one time a month, she cannot enter to the synagogue. अगर वो महीने में एक बार ना जाए तो उनको आराधनालय में घुसने की अनुमति नहीं मिलती थी. So Jesus, when he reached 30 years, और जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ, he took the book of Isaiah, और उसने यशायाह नबी की किताब निकाली, and go to the synagogue, और वो सिनेगॉग में गया, and he went to preaching, और वहाँ पर वो प्रचार करना चाहता था. For who went to preaching? For the people of Nazareth. और किसके लिए प्रचार करना चाहता था? जो नासरत के लोग थे. So those people like us, जैसे हम लोग हैं उसी तरह वो लोग, doesn't accept the son of the carpenter, और तब वो लोग जो है एक बढ़ई के बेटे को भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर रहे थे. To be prophet for him. कि वो एक बहुत उनके लिए नबी हो सकता. So bring him from there, और फिर वो वहाँ से उसको यहाँ ले आए इस स्थान पर, and want to throw him in the valley. और यहाँ से धक्का देके उस वैली में गिरा देना चाहते. Throw him in the valley. But what Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? He start to run from them. Throw the guns, throw the अब ये पैर से होकर के यहाँ से वो दौड़ना शुरू किया. And we have the trail of Jesus from here start. और यहाँ से अपने यात्रा उसने शुरू की बच के निकलने की. Yes. And go Cana. और वो पहले काना गया. Sepphoris. और Sepphoris में गया. Yes. Kibbutz Lavi. और Kibbutz Lavi में गया. And reach the north of Galilee. और तब गलील के उत्तर भाग में वो पहुँच गया. Yes. And he start there the ministry. और तब उसने वहाँ पर अपने सेवकाई की शुरुआत की कफरनहूम से. And if you remember, अगर आप याद रखें, when he make too many miracles, Capernaum, Bethsaida, Chorazim, और बैतसैदा और खुराजीम में उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म करके दिखाए. So what he said? उसने क्या कहा? He said, if my father he make not half one or two miracles in Sodom and Gomorrah, not will be destroyed these two towns. और अगर सदोम और गमोरा में उसने आश्चर्य कर्म नहीं किया जाते तो बर्बाद ना होता. So Capernaum, Bethsaida, Chorazim, not will be stone in stone. और इसलिए यहाँ पर इतने आश्चर्य कर्म किए गए फिर भी लोगों ने ग्रहण ना किया, इसलिए कोई पत्थर पे पत्थर यहाँ छोड़ा ना जाएगा, सब नष्ट कर दिया जाएगा. 749 और 749 में was earthquake. और उसके बाद 749 ईस्वी में भूकंप आया. Capernaum, Bethsaida, Chorazim, destroyed. और ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. Never coming again. और फिर दोबारा कभी नहीं बन पाया. Till today, yesterday. और कल और आज. When we visit Capernaum, जब हम Capernaum में गए थे, it was archaeological site. और बिल्कुल एक जो है पुरातत्व का स्थान बन गया. No half town, Capernaum today. लेकिन वहाँ पर कोई एक शहर नहीं. This is the power of the Lord. यही परमेश्वर की सामर्थ्य. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So have a look now. और देखिएगा. This is the Jezreel Valley. और ये है जिज़राइल वैली. It's mean the basket food of the Jewish people. और इसका मतलब है कि यहूदी लोगों के लिए जो बास्केट फूड है. 1500 years before Jesus Christ. यीशु मसीह के 1500 वर्ष पूर्व. Over there Carmel Mount. और वहाँ पर सामने कर्मेल की चोटी. Where Elijah sacrificed his sacrifice. और यहाँ पर एलिया ने अपने लोगों की कुर्बानी चढ़ाई. Left side Tabor. और वहाँ सामने की तरफ जो पहाड़ है वो ताबोर है. Tabor, you know what's happening in Tabor? मालूम है ताबोर के पर्वत पर क्या हुआ? When the transfiguration. वहाँ पर रूपांतरण हुआ. For Moses and Elijah. और वहाँ पर मूसा और एलिया दिखाई दिए. And he was with him, John, James and Peter. याकूब यहूना और पतरस उस वक्त उसके साथ मौजूद थे. And near in the valley we have Deborah. और वहाँ पर उसके बगल में दबोरा नाम का एक नगर है. Deborah has been the prophet. और दबोरा एक नबिया थी. She fighting Barak Sisra. और बराक और इसरा से उसने युद्ध किया. Also Napoleon Bonaparte. और नेपोलियन जो बोनापार्ट थे. He fighting the Muslim in the valley. और इसी घाटी में मुस्लिम से उन्होंने युद्ध किया. Gideon. He fighting the Magol. Gideon और इसी पर यहाँ पर दमागोल में युद्ध किया. In this area. इसी क्षेत्र में. And every month. और हर एक महीने. Because was destroyed the temple. क्योंकि मंदिर जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया. The Jewish people. यहूदी जो लोग हैं. Make fire in the top of the month. और उससे उस पर्वत की चोटी के ऊपर आग लगाते हैं. To let you start the first of the month. और जो उसी दिन आग लगा करके महीने के पहले दिन की शुरुआत करते हैं. Because today we are. क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं 2019 और 2019 में जूश कैलेंडर यहूदी कैलेंडर के अनुसार 5779 और 5769 है. टुडे वी आर 5th मई. यस. और आज 5 मई है. द मंथ ऑफ 5 जून द मंथ ऑफ द जूश सेकंड सिवान. और यहूदी कैलेंडर के अनुसार दूसरा सिवान का महीना है. गिलबोन पहाड़ है सामने की तरफ. देयर इज नीन और नीम है वहाँ. नीम द विडो वुमन. नाइन द विडो वुमन. द विडो वुमन. अच्छा नाइन जहाँ पर विधवा औरत. द विडो वुमन. बेटा मर गया था. व्हेन हर हस्बैंड डाइड. जब उसका पति मर गया था. आल्सो हिज सन डाइड. और उसके सारे पुत्र मर गए थे. जीसस कम फ्रॉम ताबोर माउंट डाउन. और वहाँ से ताबोर पर्वत से यीशु यहाँ उतर करके. एंड शी वन
fellows died. और सब देखा कि एक आदमी वहाँ मर गया. And they know it is woman without her husband. और उसको पता था कि एक औरत है जिसका पति जीवित नहीं है. So he made the miracle. और तब उसने उसके लिए आश्चर्य कर्म किया. Or in nine, dead woman. और तब उसने वहाँ पर आश्चर्य कर्म किया फॉर द वुमन और उस स्त्री के लिए विधवा स्त्री फॉर द सन और बेटे के लिए पर उस विधवा स्त्री के लिए व्हाट्स मीन फॉर द विडो वुमन और मेरे लिए क्या है विधवा औरत के लिए he let get up the sun. और तब उसने उस बेटे को जिंदा करके because if still died the son अगर बेटा मरा ही रहेगा could she take bad road और could take a bad way. Bad way. Yes. Or could she hug herself? Yes. Because she doesn't have something to do, to be occupied about these things. So he made the miracle for both of them. और इसीलिए दोनों के लिए उसने चमत्कार करके दिखाया. And the first time. और पहली बार. He made a miracle for people not Jewish. और पहली बार उसने जो आश्चर्य किया. She was Phoenician woman. वो यहूदी औरत नहीं थी, वो एक पलस्तीनी औरत थी. She was Phoenician. Phoenician. और उनको मालूम था कितना क्या देना है. पैसा नहीं था उनको. सो ही गिव हिम द लैंड ऑफ काबुल और तो उन्होंने काबुल की जमीन दे दी. यस एंड द फिनिशियन वाज वेरी रिच पीपल और वो फिनिशियन जो बहुत धनी लोग थे. सो स्टार्ट टू बाय द लैंड थ्रू द मेडिटेरेनियन कोस्ट और तब वो मध्य से जो सागर का किनारा है उसके क्षेत्र से होते हुए जमीन खरीदना शुरू किया. गुड. यस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वेरी गुड. यस वेरी गुड. इफ नाउ यू नीड एनी क्वेश्चन आई एम हियर. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरे पास आ. ये माउंट प्रसिपाइस है जहाँ से यीशु मसीह को गिरा देने की कोशिश करी गई थी और यीशु मसीह ने इस पहाड़ से बच के निकल के उन्होंने अपनी जान को बचाया था. और इसके नीचे घाटी में जाने पर एक गुफा पड़ती है क्वाफजर के नाम से और ये 7000 से 10000 बीसी जितनी पुरानी है. ये माउंट प्रेसिपाइस से आपको यहाँ नासरत शहर दिखाई दे रहा है और ये पास का खुला मैदान है. और यहाँ सामने आप ताबोर पर्वत को देख सकते हैं. अच्छा वो वाला पर्वत कौन सा? वो ताबोर पर्वत है. वो उसका नाम क्या था? ये चर्च ऑफ एनाउंसिएशन है. ये मदर मेरी का घर है यहाँ पर था जहाँ पर अब चर्च बना दिया गया है. The Church of Annunciation. Where is the group? Group. The Annunciation Church के स्क्वायर के पास है इस समय. Here it was the house of Mary. ये मरियम का घर है जहाँ पर हम हैं. You see, now we climb from the valley to the mount. घाटी से चढ़ के ऊपर पर्वत की तरफ आए. This is the mount where it was the town of Nazareth. और ये वो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर नाजरत शहर. I will show you later on. इसके बाद हम उसको दिखाएंगे. Okay. This is church became 20th century. और ये 20वीं शताब्दी में चर्च बन के तैयार हुआ. In the top house became the angel Gabriel announced Mary. और ऊपर के आप देखेंगे कि स्वर्ग परमेश्वर का दूत जिब्राइल जो है मरियम को कुछ घोषणा करके सुना रहा है. And the four gospels. और वहाँ पर चार सुसमाचार के चिन्ह हैं. And where I will read and after I explain what I read, I translate. Verbum carum factum est et habitabit in nobis. Verbum carum est et factum elvent in nobis. So normally, brothers and sisters,
ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन. When the angel Gabriel announced Zechariah, और जकरिया के पास जब परमेश्वर का दूत आकर भविष्यवाणी करता है, it was to have a child. कि तेरे पर एक पुत्र होगा. And Zechariah not believer. और जकरिया जो विश्वास नहीं किया. Because he was old man. क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी था. And Elizabeth, she was old woman. और एलिशबा भी बूढ़ी हो चुकी थी. But the power of the Lord, क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ थी, give him the permission, और उसके अनुमति के द्वारा to have a child, कि उनके एक संतान उत्पन्न हुआ. But between relationship between man and woman, स्त्री पुरुष के आपसी सहयोग के द्वारा. But here what is read, our brother written now, verbum carum. और यहाँ पर जो भाई ने नितिन ने पढ़ा verbum carum. When the angel became and appeared Mary. और जब मरियम के पास स्वर्गदूत आके उपस्थित हुआ. The word became flesh. और वचन जो है देहधारी हो गया. See the difference? The word became flesh. Verbum carum est. और ये फर्क देख रहे हैं कि जो उसने कहा हुआ है कि वचन जो है सचमुच में वास्तविक रूप लेकर के देहधारी हो गया. और ये मरियम के यहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ है. She crushed the serpent. और उसने सांप को अपने पांवों से कुचला. Because written here in Latin. यहाँ पर लैटिन में इस तरीके से डोमिनस एट सर्पेंटम एट सेकंड एट सर्पेंटम स्पा कॉन्टेंट. ओके हैव अ लुक. नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गॉड ही सेंट एलिया, ही सेंट मोसेस एंड ही सेंट एवरीबॉडी बट नॉट The people still believer. और हालांकि परमेश्वर ने एलिया और मूसा भविष्यद्वक्ता को भेजा, लेकिन सब लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया. In the end, he sent his son. और तब लिखा अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र को भेजा. To sacrifice him. कि उसकी कुर्बानी हो सके. For what she made Eve in the garden. और जो हवा थी जो उसने अदन की वारी में जो कुछ खो दिया था. And who told the Eve to take the apple? The serpent. और कौन था जिसने आकर के हवा को फल खिलाया था? शैतान था. Yes, because this reason when Jesus he pray in Gethsemane. इसी कारण से जब यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करता है, he tell his father, उसने अपने पिता से कहा to move this agony from him. और उसने कहा अगर हो सके तो ये पीड़ा जाए मेरे पास से हट जाए. Who know a little bit in the Bible can now understand me why I want you. और आपको बताना मांगते हैं हमको जो थोड़ी बहुत जानकारी उससे कि क्यों आप जाने और आप मजबूत और धनी हो सके. वचन आवाज नहीं करेंगे प्लीज, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग वापस आए. जस्ट आई फॉरगेट समथिंग टू टेल यू इन द स्क्वायर वी हैव अ लॉट ऑफ मेरे टिल 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 ओके अ लॉट ऑफ मेरे. यहाँ पर बहुत सारे चित्र जो है बनाए गए हैं दीवारों पर. एवरी कंट्री शी थिंक लाइक दैट वाज मेरी. हाँ, हर एक जो देश है उनकी एक अलग धारणा है कि मरियम इस तरीके से होगी, इसलिए अपने मत के अनुसार उन्होंने उसके चित्र बना रखे. नाउ इन ऑल द चर्चेस, पुराने जो कलीसियाएं हैं, चर्च है, यू हैव आल्सो ज्यूइश सिंबल, और वहाँ पर यहूदी चिन्ह रखे हुए हैं. बिकॉज नॉर्मली क्योंकि ज्यादा जीसस ही इज बोर्न जीसस यीशु मसीह पैदा हुआ Jewish. यहूदी के परिवार में. Died. जो मृत्यु हुई Jewish. यहूदी के रूप में. Resurrection. पुनरुत्थान Jewish. Resurrection. Jewish. Ascension. और जो स्वर्गारोहण है Ascension. Christian and for everybody. और हर एक विश्वासी के लिए जितने मसीही लोग हैं उनका स्वर्गारोहण. So the difference between the Jewish and the Christian. और यही फर्क है यहूदी और ईसाई मत में. Already we are believer. पहले से यद्यपि हम विश्वासी हैं. Jesus he came from the 14th generation of David. और 14वीं पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह आए. The Jewish still waiting. और यहूदी लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं 14th generation of David. 14वें जो है पीढ़ी का आने का. So this is image. This is the Old Testament. ये पुराने नियम के जो प्रतिरूप बने हैं यहाँ पर. If she take the apple from the garden. और उसने अपर हवा देख रहे हैं कि किस तरह के से बगीचे में फल ले रही है. So it was apple.
not happen. Maybe. But we will happen. No, not happen. Okay, not happen. Not happen. Fruit, the fruit. Fruit, not happen. Fruit. I cannot tell you. Could be everything. I don't know, but it was fruit. It was fruit, yes. Fruit. Woman. और इसीलिए जो उनको श्राप मिला कि स्त्री पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करे वर्किंग वेरी हार्ड गाइन और आदमी जो है अपनी पसीना बहा करके मेहनत की रोटी खाएगा द आर्क ऑफ नोवा और यहाँ पर नूह का जहाज है द डॉव ब्रिंग द ब्रांच ऑफ ऑलिव और ये है जैतून के कबूतर लेकर के आए तो लेट नाउ नोवा इट इज यू कैन गेट आउटसाइड फ्रॉम द सी हाँ देख सकते हैं कि अब्राहम यहाँ पर अब्राहम देखते हैं सैक्रिफाइस सन आइज़ाक अब्राहम ने अपने बेटे इज़ाक को कुर्बान किया वेरी सैक्रिफाइस हिम कहाँ पर किया इन माउंट मोरिया माउंट मोरिया टेंपल माउंट एंड द लॉर्ड स्टॉप्ड हिज हैंड एंड सेंट हिम द मोटर और परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक करके एक मेमने को भेजा सो दोस थिंग्स इट इज ज्यूइश और ये जो है ये जो चीजें हैं यहूदी परंपरा के अनुसार हकीकत है पर मसीहत में भी इसका हम पालन करते हैं बिकॉज जीसस ही नॉट कम फॉर अस और यीशु मसीह बोले हमारे लिए नहीं आया ही कम फॉर हिज पीपल फॉर द ज्यूज अपने लोगों के लिए यहूदी लोगों के लिए बट दोस पीपल वाज लुकिंग द टेंपल द 24 फैमिली और जो 24 परिवार थे वो एवरीथिंग वाज इन हियर हैंड्स उनके हाथों में था सारे सप्ताह Does it accept to come somebody and to take her work? That was called centurion? Yes, centurion. Okay. Centurion group था उन्हीं के हाथों में सत्ता थी और वो यीशु मसीह को अपनी सत्ता की वजह से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि वो उद्धार करता The population like us accept Jesus. Sorry? The population like us. हमारे तरह की जो आबादी है Because those centurion doesn't accept Jesus because afraid to lose her work. और जो सेंचुरियन जो लोग थे वो ग्रहण नहीं कर रहे थे आम पब्लिक की तरह क्योंकि वो अपने अधिकार को खोने का उनको डर था Because this reason, when is resurrection Jesus? और इसी कारण से जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान और वो ऊपर उठा लिए गए No more he is Jew. और अब वो यहूदी नहीं रहा He told Peter to start to building his church in the rock. उसने पत्रस से कहा इसीलिए मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। He was for everybody. इसलिए क्योंकि वो कलीसिया सब लोगों के लिए। Because this sometimes if you read in the New Testament. इसीलिए आप कई बार जब नए नियम का अध्ययन करते हैं। And in the Old Testament. और पुराने नियम का करते हैं। You can't find both of them one book. और आपको दोनों मिलाने के बाद ऐसा लगता है सब दोनों एक ही पुस्तक है। Jesus came to complete the Old Testament. और इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि वो पुराने नियम को पूर्ण कर सके। To complete the Old Testament. Because this reason we can't find New Testament and Old Testament in one book. और इसी वजह से नए नियम और पुराने नियम को एक ही पुस्तक माना जाता है Okay, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now, in the main door, I will show you the Christianity. आइए हम उधर की तरफ मसीहियत के बारे में थोड़ा अध्ययन करें बेथलेहम यहाँ पर बेथलेहम द बर्थ प्लेस जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ Well, believe me, brother, believe me. Believe me, believe me. What I give you, no any guide can give you. जो ये दे रहा है कोई नहीं बताएगा ये मेरा भी अनुभव है बर्थ प्लेस ऑफ मदर ऑफ मैरी और मरियम का वो स्थान जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ He left to Egypt. और इसके बाद वो यहाँ से मिस्र की तरफ चला गया He worked with his father like a carpenter. और यीशु मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई के समान काम किया Yesterday, you remember? और कल हमें याद है कल की जगह You are the renewal baptism, right? The ceremony in the mount. और ये पहाड़ी के उपदेश जहाँ पर वो लोगों को शिक्षा दिया। The ceremony in the mount, if you remember, right? Yes. And there, the crucifixion. और वहाँ पर उनका क्रूसिफिक्शन और उसके बाद पुनरुत्थान और उसके बाद The three things. Okay. Crucifixion, resurrection, and ascension. क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृतकों में से जी उठना और आसमान पर उठा लिया जाना। Just because I see now the cross here, I want to explain. This is the cross. You see the cross? और इस क्रॉस को आप देख रहे हैं? There, small and small four crosses. Yes. और ऊपर छोटा क्रॉस देख रहे हैं? चार तरीके का? This is the five basic of Jesus. और ये पांच. Please सुन लीजिए. Very important. Yes. Five basic of Jesus. और ये पांच? Yes. Five. In the foot, two in the foot, two in the hand. और ये पांच प्रकार के जो उनके चोट लगे थे? And one in the heart. और एक उनके हृदय. With the swell.
जो भाला छेदा गया था। यस वंडरफुल। Thank you.